Anant Punyamai Anant Gunamai Buddha Kinnirvanandattu Dharamandattu Buddhidattu Shesha Parajagge Pratikshan Riddhayam Enjagge Pratikshan Anga Anga Jagge Pratikshan Ananta Punyamai Ananta Gunamai Dharma ke nirvanandat gyanandat buddhidat Shesha Parajagge Pratikshan Hridayam Enjagge Pratikshan Anga Anga Jagge Pratikshan Ananta Punyamai Ananta Gunamai Sangha Kinnirvanandattu Dharamandattu Buddhidattu Shesha Parajagge Pratikshan Hridayam Enjagge Pratikshan Anga Jagge Pratikshane Man ko शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें आनापान का अभ्यास करें सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर भीतर आने वाले सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने खूब सजग खूब सचेत खूब सावधान सावधान अपने ही सांस के प्रति सावधान सांस के आवागमन के प्रति सावधान बड़े ध्यान से सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई बाहर जाने वाले सांस की पूरी लंबाई आरंभ से लेके अंत तक सांस भीतर आना शुरू हुआ भीतर आ रहा है आ रहा है आ रहा है
अब आना बंद हो गया। बाहर जाने लगा, बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बाहर जाना बंद हुआ, फिर भीतर आना शुरू हुआ। यूं आरंभ से लेके अंत तक प्रत्येक सांस की पूरी पूरी लंबाई की जानकारी रहे, खूब सजग रहकर, खूब सचेत रहकर। पुराने साधक हैं, ये आवश्यक नहीं कि सांस का छूना मालूम हो, ये भी आवश्यक नहीं कि सांस बाएं नासिका से गुजरता है या दाहिनी से गुजरता है इसकी जानकारी हो। अगर ये जानकारी होती रही तो बहुत अच्छा, अन्यथा इसका इतना महत्व नहीं है। बस सांस भीतर आ रहा है या सांस बाहर जा रहा है, इतनी जानकारी बनी रहे तो पर्याप्त है। अब विपश्यना शुरू कर दें, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना। सिर के सिरे से काम शुरू करें और पांव की अंगुलियों तक, सिर के सिरे से पांव की अंगुलियों तक, पांव की अंगुलियों से सिर के सिरे तक, बड़े ध्यान से अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें, बड़े ध्यान से। और जहां जहां जो जो संवेदना महसूस होती हो उसे जाने, केवल जाने। प्रतिक्रिया जरा भी ना हो, केवल जानना है। अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें, अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें। शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा न रह जाए, अनजाना न रह जाए।
संवेदनाएं चाहे जैसी हों, न किसी संवेदना को अच्छी माने न किसी को बुरी माने, अच्छे मानते ही राग जगाने लगेंगे, बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे। संवेदना संवेदना है, न अच्छी है न बुरी है, सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पाद होना व्यय हो जाना, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय। ये होश बना रहे तो संत पुष्ट होती रहे, अनिच्च अनिच्च अनिच्च। अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है, सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे, ये प्रज्ञा पुष्ट होती रहे, समता पुष्ट होती रहे, न राग जागे न द्वेष जागे,
हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में और कभी कभी शरीर के किसी किसी हिस्से में बहुत घनीभूत घनीभूत, स्थूल ही स्थूल, दुखद ही दुखद संवेदनाएं प्रकट हो रही हों, तो इसके कारण मन में द्वेष न जागने पाए, जरा भी द्वेष न जागे, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी, पुराना भोक्ता भाव प्रबल होता जाएगा, दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा, द्वेष जागने न पाए। स्थूल से स्थूल संवेदना का यही स्वभाव है, उत्पन्न होती है और लगता है कुछ देर कायम है पर देर और सवेर समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है समाप्त होने के लिए ही उत्पन्न होती है, ये होश बना रहे, ये बोध बना रहे, अनित्य है अनित्य है अनित्य है। हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म सुखद सुखद तरंगे, इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग न जगा लें, इसके प्रति आसक्ति न जगा लें, नहीं तो फिर विपश्यना छूट गई, फिर वही भोक्ता भाव, सुखद के प्रति सुख भोगने का भोक्ता भाव उतना ही खतरनाक जितना कि दुख के प्रति दुखद के प्रति दुख भोगने का भोक्ता भाव। समता 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 ही समता,
राग उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को भंग करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं, द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। यह न भूल जाए, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, ये होश बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे। अनित्य बोध के आधार पर ये प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, पुष्ट होती जाए, समता बलवती होती जाए, बलवती होती जाए। विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? ये लक्षण छूट जाए, ये ध्यान में रहे। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, तो बंधनों को नष्ट करना है। दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर ही देश द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे। दुखद संवेदना प्रकट हो रही है तो हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे, दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने की आदत नष्ट की जाती है। होश न हो तो दुखद संवेदना के प्रकट होने पर द्वेष गाने के स्वभाव को पुष्ट करने लगते हैं, पुष्ट करने लगते हैं। होश बना रहे तो इसी दुखद संवेदना को आधार बनाकर द्वेष के स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। हर दुखद संवेदना का यही लाभ उठाना है। आई है दुखद संवेदना, आई है मुझे द्वेष से मुक्ति दिलाने के लिए आई है, इसका स्वागत है। इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूं, इसका स्वागत है।
इसको लेकर नया द्वेष न जगाने लगूं, अन्यथा अपने ही बंधनों को और पुष्ट करने लगा। इस दुखद संवेदना के आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है। द्वेष के बंधनों से मुक्ति पानी है। यह होश बना रहे, यह होश बना रहे। इसी प्रकार जब जब सुखद संवेदना आए तो ये होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैं अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट कर सकता हूं, और कोई साधन नहीं। अच्छा है सुखद संवेदना आई है, मैं अपने राग वाले स्वभाव को नष्ट करने का अवसर प्राप्त किया है। मैंने नया राग जगने नहीं दूंगा, जगने नहीं दूंगी, तो पुराना नष्ट होता जाएगा, स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा। आए सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के लिए नहीं, सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के भोक्ता भाव से मुक्त करने के लिए आए, मुक्ति के लिए आए। प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है। राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है। कहीं भटक न जाए, दुखद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए, ये बेहोशी है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुखद संवेदना आए कि दुखद संवेदना आए, हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है, बंधनों को तोड़ने का हथियार लेकर आई है। दुखद के आने पर ही तो द्वेष का स्वभाव टूटेगा, सुखद के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। ये होश बना रहे, ये विद्या जगी रहे, ये बोध बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे, और समता ही समता पुष्ट होती रहे। अनित्य बोध के आधार पर समता ही समता पुष्ट होती रहे। विपश्यना क्यों कर रहे हैं इसे खूब अच्छी तरह समझते रहें, विपश्यना कैसे करनी है इसे भी खूब अच्छी तरह समझते रहें, और जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं। मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी, बंधनों से मुक्ति मिलेगी, मिलेगी। खूब सजगता पूर्वक काम करते रहें, दृढ़ता पूर्वक काम करते रहें,
निरंतरता पूर्वक काम करते रहें, समझदारी के साथ काम करते रहें, काम करते रहें। देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। लाभ सभी को ये
शांति में भाग्य सभी का इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को सबको मंगल सबको मंगल सबको प्रदेश के सारे
मंगल लाभे हरे धम्म से तत्पर शुद्ध धर्म के अमृत वर्षा रे सारे देश के सारे प्राणी मंगल लाभे रे धम्म से शुद्ध धर्म के गंग प्रवाहित रे सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभे रे स्वर्ग मंगल स्वर्ग मंगल स्वर्ग मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया रे जन जन सुखिया रे जन जन सुखिया दे भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं सुखी हो सुखी हो सुखी हो